हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका D2S कैंपस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं दीपक चौधरी, आपका अकाउंट्स टीचर। चैप्टर हमने शुरू किया था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। टॉपिक अभी तक हम कवर कर चुके हैं डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनरशिप डीड। आज जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे हम यहाँ पे आज। कुछ क्वेश्चंस, दो तीन क्वेश्चंस हमने टॉपिक कवर करते समय ही डिस्कस किया हुआ है। और टॉपिक क्या है आइए देखते हैं। टॉपिक है हमारा व्हेन अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। व्हेन अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, इस टॉपिक को मैंने डिस्कस किया हुआ है वीडियो नंबर 3 में। आप जाइए उस वीडियो को पहले रिवाइज कीजिए और उस पे बेस्ड इस क्वेश्चन को आज हम करते हैं। दो क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन आपको असाइनमेंट नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कवर करेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ऑन 1st April 2013 जय एंड विजय एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फॉर सप्लाइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स टू गवर्नमेंट स्कूल्स सिचुएटेड इन रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज। They contributed capital of ₹80,000 and ₹50,000 respectively and agreed to share the profits in the ratio of 3:2. Profit sharing ratio क्या है इनके बीच में? 3:2. The partnership deed provided that interest on capital shall be allowed at 9% per annum. Interest on capital पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग देना है और किस रेट से देना है? सर, 9% पर एनम के रेट से, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ ₹7,800। प्रॉफिट फर्म को कितने रुपए का हुआ है? सर, 7,800 का। शो योर कैलकुलेशंस क्लियरली, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ जय एंड विजय फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014। सर, ये क्वेश्चन तो हमें व्हेन अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट की तरह लग रहा है। मुझे भी लग रहा है। तो सर, हम इस क्वेश्चन को खुद करना चाहते हैं। अभी अभी हमने वीडियो 3 रिवाइज किया है, रिवाइज कर लिया है ना। अगर नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो नंबर 3 रिवाइज करो, उसके कंसेप्ट समझो, उस पे बेस्ड मैंने दो क्वेश्चन करवाए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करो। और अगर वो आपने कर लिया है तो सर इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम खुद ट्राई करेंगे। अरे मजा आ गया, दिल खुश कर दिया। चलो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले सबसे पहले खुद सॉल्व करो। और इस बीच मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके रख चुका हूं और आपको ये क्वेश्चन टैली करना है, ठीक है। आइए, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, वीडियो पॉज करके मेरे ख्याल से कर लिया होगा, और अगर कर लिया है तो आइए सबसे पहले इसके आंसर्स को टैली करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। क्या देना है सर? सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। किस रेट से? 9% पर एनम के रेट से। और जय का कैपिटल बिजनेस में कितना है? सर, 80,000। और विजय का कैपिटल कितना है? सर, 50,000। तो सबसे पहले क्या करें सर? कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ठीक है, चलो आ जाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जय का कितना है? सर, जय का कैपिटल था 80,000 और 80,000 पे इंटरेस्ट मिलना था कितना इसे? 9% के रेट से, ठीक है। तो 9% के रेट से कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? सर, 7,200। और इसका कैपिटल कितना था? सर, 50,000 इसका कैपिटल था। और 50,000 पे इसको भी किस रेट से इंटरेस्ट मिलता? सर, 9% के रेट से। तो इसका 4500 आ गया। 4500 और 7200 दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन के मिल रहा है? सर, 11,700। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सर, हमारे पास तो प्रॉफिट जो है 7,800 है और अप्रोप्रिएशन हमारे पास 11,700 का है। तो मुझे बताओ ये कौन सा केस हो गया? सर, ये तो वो केस हो गया व्हेन अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। व्हेन अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन, अप्रोप्रिएशन ज्यादा है, मुझे देना ज्यादा है लेकिन मेरे पास पैसे तो कम है, मेरे पास प्रॉफिट तो कम है और मुझे अप्रोप्रिएशन ज्यादा करना है। इस केस में क्या बताया गया था? सर, इस केस में बताया गया था कि when appropriations are more than available profit, then available profit, यानी कि 7,800, then available profit will be distributed in the ratio of appropriation।
किस रेशियो में सर? इन दी रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन। तो रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है? इस रेशियो में, यानी कि 7200 रेशियो 4500, और ये रेशियो कितना बन रहा है सर? 8:5, यहां पे 8:5 बन रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर प्रॉफिट ऑफ रुपीज 7800 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 8:5, क्लियर है। तो सर इसको डिस्ट्रीब्यूट करके भी देख लेते हैं, बहुत बढ़िया। ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफर कर लिया, नेट प्रॉफिट 7800 का, और इस अमाउंट को यहां पे टोटल कॉलम में लिख लिया, सेम अमाउंट इस साइड भी डाल दिया। अब मैंने क्या किया, 7800 को 8/13 जय को दे दिया और 7800 का 5/13 मैंने विजय को दे दिया। इस तरह से मैंने अवेलेबल प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सर? रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन, मतलब जिस रेशियो में मुझे इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था उसी रेशियो में मैंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मेरे ख्याल से आपका ये कंसेप्ट आपको हो चुका है क्लियर। कोई डाउट है इस पर? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असाइनमेंट नंबर 1.2 का है। अगेन क्वेश्चन नंबर 7 कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख एंड रुपीज 5 लाख। 3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और इसका कैपिटल कितना है? X का कैपिटल है 10 लाख, Y का कैपिटल है 5 लाख रेस्पेक्टिवली। एज पर द पार्टनरशिप डीड दे आर टू बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। 8% पर एनम के रेट से हमें क्या देना है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बहुत अच्छे। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू रुपीज 45,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले बिजनेस का प्रॉफिट कितना है सर? 45,000। ये देखो, प्रिंटिंग मिस्टेक, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। और सर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हम कहां शो करते हैं सर? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बहुत बढ़िया, मजा आ गया सुनकर। क्या एक्सपेक्ट करूं मैं सर? आप ये क्वेश्चन हमसे करवाने का एक्सपेक्टेशन रखते हो, चलो क्या मजा आ जाता है बात सुनकर आप लोगों की। चलो ये क्वेश्चन शुरू करो, आप लोग शुरू करो, फटाफट से इसे सॉल्व करो, फटाफट से इसे सॉल्व करो। आपके पास सिर्फ 4 मिनट है, 4 मिनट वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद फटाफट से आओ, मैं इसको, आप इसके आंसर को टैली करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो आप देखेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का 80,000, Y का 40,000। कैसे आया ये 80,000 एंड 40,000? सर इंटरेस्ट हमें देना है 8% के रेट से, कैपिटल है 10 लाख और 5 लाख। तो 10 लाख का 8%, 10 लाख का 8% कितना बनता है सर? 80,000। कितना बनता है? 80,000, ठीक है। और 5 लाख का 8% कितना बनता है सर? 40,000। यानी कि मुझे देना टोटल कितना है सर? 1,20,000। और मेरे पास अवेलेबल अमाउंट कितना है सर? ओनली 45,000। अब क्या करें सर? ये तो वही केस हो गया अगेन से, व्हेन अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन अप्रोप्रिएशन, या फिर व्हेन अप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। उस केस में अगेन हम क्या करते हैं सर? अवेलेबल प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन। और रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन क्या है सर? 8:4। ये अप्रोप्रिएशन का रेशियो ऐसे निकला, 80,000:40,000। तो ये रेशियो आपका बन गया 8:4। तो मैंने क्या किया सर? 40,000 का टोटल अमाउंट इधर लिखा, फिर सेम अमाउंट इधर लिखा, और इस 45,000 को फिर यहां पे 8/12 एक्स को दे दिया, 45,000 का 4/12 इसे दे दिया वाई को।
क्लियर है? आशा करता हूं ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा और कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा पूरी तरह से। इस तरह से ये वाला टॉपिक व्हेन अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट आज खत्म होता है। आप इस टॉपिक से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो। नेक्स्ट टॉपिक जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद होगा हमने डिस्कस किया था पार्टनर्स के कैपिटल दो तरीके से मेंटेन करते हैं पार्टनर्स। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इससे रिलेटेड हम सारी डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, क्लासमेट्स के साथ और जिनको भी आपको लगता है कि इस तरह की वीडियो की जरूरत है। और मैं क्लासेस रेगुलरली ये जो क्लासेस है मैं रेगुलर दूंगा, वीडियो रेगुलरली अपलोड की जाएंगी और इन डेप्थ क्वेश्चन के लिए, असाइनमेंट्स के लिए और मैक्सिमम क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए आप D2S कैंपस का एप्लीकेशन अपने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करेंगे। उस पे आपने करना है अपने आप को एनरोल, रजिस्टर करें, हमारे पास से आपको कॉल आएगा और कॉल के साथ आपको किस आपके अकॉर्डिंग, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको बैच अलॉट किया जाएगा। उस बैच में काफी सारे चीजें आपको, काफी सारी चीजें प्रैक्टिस करवाई जाएंगी और उसके अकॉर्डिंग आपके टेस्ट्स लिए जाएंगे। बहुत सारी चीजें वहां पे आपका इंतजार कर रही है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।